गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए क्लास थ्री के लिए मैं शिवपूजन सर, पार्ट्स ऑफ प्लांट। पिछली कक्षा में आप लोगों को बताए थे कि एक पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, और उस पौधे में आज उस भाग का पहला बिंदु है रूट। रूट मीन्स होता है जड़। तो जड़ कितने प्रकार के होते हैं और जड़ के क्या का फंक्शन है यानी उसका क्या कार्य होता है, ये टॉपिक पर आज चर्चा होगी। आप इस व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स यानी दो प्रकार के जड़ हो, पहला है टेप रूट और दूसरा है फाइबर्स रूट। टेप रूट का मतलब होता है झकड़ा जड़ और फाइबर्स का मतलब होता है रेशेदार जड़। आप देखें कि रेशेदार जड़ और झकड़ा जड़ में क्या अंतर। आखिर रूट को, जड़ को दो भागों में बांटा गया, निश्चित रूप से उसमें कुछ अंतर होगा, तभी उसे दो भागों में बांटा गया है कि नहीं। तो देखिए, झकड़ा जड़ किसे कहेंगे, तो झकड़ा जड़ में क्या होता है कि जो पौधे का जड़ होता है वो एक मेन भाग आता है, सब मोटा आता है, ये आप देख रहे होंगे, ये मोटा जड़ आता है, उसके बाद उसमें साइड साइड से जड़ निकलते हैं। तो इस तरह से जिसका एक मेन पार्ट होता है, एक मेन जड़ जो होता है जो जमीन के नीचे आता है, उसके बाद उसमें छोटे छोटे और जड़ निकल करके जमीन के अंदर में फैलते हैं, तो इस तरह के जड़ को हम लोग कहते हैं झकड़ा जड़। दूसरा है रेशेदार, रेशा के जैसे। इसमें कोई, आपका देख रहे होंगे, इसमें कोई मेन पार्ट नहीं है, सब एक ही जगह से ये रेशे के समान, धागे के समान निकला हुआ, इसलिए इस तरह के जड़ को हम लोग कहते हैं रेशेदार जड़। आप कभी धान का जड़, जो धान लगाते हैं कटने के बाद, आप यदि परीक्षण करना चाहेंगे कि वास्तव में ऐसा जड़ होता है या नहीं, तो धान का, घास का जड़ को आप कबाड़ के उसको धो दीजिए, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि रेशेदार जैसा, रेशा जैसा पूरा उसमें लगा रहता है। तो इस तरह के जड़ को हम लोग रेशेदार जड़ कहते हैं। प्याज आप जरूर देखे होंगे, उसमें भी रेशेदार जड़ होता है। तो ये आपका दो प्रकार का जड़ हुआ, टेप रूट एंड फाइबर्स रूट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक झकड़ा जड़ और दूसरा रेशेदार जड़। तो ये दो प्रकार के जड़ हुए। अब है फंक्शन ऑफ रूट, दूसरा बिंदु है कि इसका फंक्शन क्या, कार्य इसका क्या। तो पेड़ पौधे में जड़ का काम क्या है कि सबसे पहले कि उसे खड़ा रखना, जड़ का काम है कि पेड़ पौधे को खड़ा रखना। ये जमीन के अंदर जाते हैं और वहां तक जाते हैं जब तक इन्हें जल नहीं मिलता। जल जितना नीचे तक होगा, जड़ उतना नीचे जाता है, उतना दूरी तक जाता है। जब इसे जल मिल जाता है तो वहां तक वो जाकर के फिर धीरे धीरे सीमित होता है। तो ये जल तक क्यों जाता है, क्योंकि पेड़ पौधा को जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो जड़ से मिलता, इसलिए जड़ जो है वो जल की खोज में लंबी दूरी तक जाते हैं, जहां जब तक उसे जल की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वह सर्च करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं कि कहां तक हमें जल मिलेगा। दूसरा कि वह मिट्टी को कस के पकड़े रहता है, और इस तरह से बड़े पेड़, छोटा से छोटा पौधा, सभी को स्टैंड यानी सीधा खड़ा रखता है। यदि जड़ नहीं होता तो ये पौधे सीधे खड़े नहीं रह पाते, वो गिर जाते। आप देखे होंगे कि जड़ के पास में यदि मिट्टी वगैरह सब कहीं निकल जाता है उसका, तो वह पेड़ पौधा हवा थोड़ा सा तेज चलने के बाद क्या होता है कि वो पलट जाता है, यानी उखड़ के वो फेंका जाता है। तो इस तरह से जड़ का काम, मेन काम हुआ जल को और खनिज लवण को लेकर के तना तक भेजना और पेड़ पौधे को सीधा खड़ा रखना। तो
तो ये हमारा जड़ कितने प्रकार का हुए वो बताए और जड़ का क्या काम है ये भी बताए। अब इसी के आधार पर प्रश्न देंगे। तो आज का ये टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समाप्त करता हूँ।